हाय, नाउ लेट्स डिस्कस इंसर्शन सॉर्ट. ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको. पीपल जनरली गेट कन्फ्यूज्ड विद दिस, बट आई प्रॉमिस बहुत ईजी है. ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास फिर से सेम नंबर्स हैं, 6, 3, 8, 2 एंड 7. तो मेरे पास फिर से सेम नंबर्स हैं, तो मुझे इनको सॉर्ट करना है. तो अब इंसर्शन सॉर्ट को जस्ट कंसिडर इट लाइक प्लेइंग कार्ड्स. ठीक है, ताश के पत्ते जो होते हैं उसकी तरह कंसिडर करो. तो हम करते क्या है, जैसे लेट से मेरे पास 5 कार्ड्स आ गए, 6, 3, 8, 2, 7. मैं 5 कार्ड्स मेरे पास यहाँ पे जैसे पड़े हैं, टेबल के ऊपर पड़े हैं. सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि मैं पहले कार्ड उठाया, वो 6 निकल के आया, तो मैं उसको अपने लेफ्ट हैंड में रख लेता हूँ. राइट, फिर मेरे पास नेक्स्ट कार्ड आया 3, तो मैं उसको उठाऊंगा. फिर मैं उसको 6 के साथ कंपेयर करूंगा कि नहीं यार 3 तो छोटा है, तो मैं उसको लेफ्ट पे लगा लेता हूँ. ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, अगर मुझे अरेंज करने होते हैं कार्ड्स एक एक उठा के, तो ऐसे ही करते हैं. फिर मैं 8 को उठाऊंगा. ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे 3 और 6 ऑलरेडी है, मैं देखूंगा अच्छा 6 से छोटा है बड़ा है, 6 से तो बड़ा है यार, तो उसको राइट पे लगा लिया बिना सोचे. अब मुझे 3 तक सोचने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट वाले के साथ कंपेयर कर लिया बस मैंने. ठीक है, अब मेरे पास 3, 6 और 8 मेरे पास आ गया. ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे कि मेरे पास 3, 6, 8, ये मान लो कि मेरे हैंड में ये प्लेइंग कार्ड्स हैं ये वाले. ठीक है, फिर मेरे पास 2 जब आएगा, मेरे पास 2 आएगा, तो मैं 2 को पहले 8 के साथ कंपेयर करूँगा. ठीक है, 2 को पहले 8 के साथ कंपेयर किया, नहीं यार 8 से तो छोटा है, 6 से करूँगा 6 से भी छोटा है, 3 के साथ करूँगा 3 से भी छोटा है, तो 2 को मैं सबसे आगे जाके लगा लूँगा. राइट, सबसे आगे लगा लूँगा. ठीक है, फिर लास्ट कार्ड आएगा 7. अभी मेरे पास 2, 3, 6 और 8 है, मैंने 7 उठाया. अब 7 के साथ क्या करूँगा, तो 7 को सबसे पहले 8 के साथ कंपेयर करूँगा. ठीक है, 8 से छोटा है तो लेफ्ट में जाना चाहिए, लेकिन फिर 6 के साथ कंपेयर करूँगा, सो 6 से बड़ा है तो 6 के तो राइट में आना चाहिए, तो मैं 6 और 8 के बीच में यहाँ पे डाल दूंगा. सो मेरा इस तरह से इंसर्शन सॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो क्लियर है ना. तो हम लोग कर क्या रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले मैंने 6 उठाया, 6 को तो एज इट इज ही रखना है, 6 के बारे में तो वरी कर रही नहीं, पहला कोई भी कार्ड आए उसको तो मैं अपने हाथ में पकड़ूंगा. फिर 3 आएगा, 3 को मैं 6 के साथ कंपेयर करूंगा, तो मेरा 3 यहाँ पे आ जाएगा. फिर 8 आएगा, 8 को 6 के साथ कंपेयर किया, तो 8 यहाँ पे लगा दिया मैंने. ठीक है, फिर 2 आया, 2 को 8 के साथ किया, फिर 6 के साथ किया, फिर 3 के साथ किया, तो 2 को आगे लगा दिया. फिर 7 आया, 7 को 8 के साथ किया, 8 से छोटा है, 6, 6 से बड़ा है, तो मुझे 7 बीच में कहीं घुसाना पड़ेगा. तो प्रोसेस तो समझ आ गया कि प्रोसेस तो बिल्कुल हमारा ताश के पत्तों जैसा है, बट अब ये चीज़ करेंगे कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, बिकॉज मुझे 7 के लिए जैसे जगह क्रिएट करनी है, तो जगह कैसे क्रिएट होगी, तो उसके लिए डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, उसके लिए करेक्ट तरीका क्या है. तो लेट से मेरे पास 2, 3, 6, 8 आ चुका है. ठीक है, और मेरे पास अभी करेंटली यहाँ पे 7 है, तो 7 को मैंने यहाँ से उठाया था. ठीक है, 7 को उठाया था और मुझे 7 को यहाँ लगाना है, तो इसका करेक्ट तरीका क्या है. तो इसका करेक्ट तरीका ये है कि जैसे मेरे पास 5 साइज़ का एरे था, तो मुझे पता है कि 7 को मुझे इंसर्ट करना है कहीं, तो 7 को मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया. ठीक है, 7 को हाथ में पकड़ लिया, तो मुझे 7 है वो 8 के लेफ्ट में आना चाहिए, तो मैं 8 को यहाँ मूव कर दूंगा, 8 को यहाँ मूव कर दूंगा, 8 को मैं यहाँ पे मूव कर दूंगा, बिकॉज 7 8 के लेफ्ट में आना चाहिए. ठीक है, फिर मैं 6 के साथ कंपेयर करूँगा, लेकिन 7 6 से तो बड़ा है, तो मैं सीधे सीधे 8 की जगह पे 7 को प्लेस कर दूंगा. तो इस तरह से मेरा प्रोसेस चलेगा. एक बार समझते हैं इसको और अच्छे से समझते हैं. सबसे पहले 6 तो मेरा यहीं पे रहेगा, सो 6, 3, 8, 2, 7 रहेगा सबसे पहले. फिर मेरा 3 आएगा, तो मेरा 6 यहाँ पे ऑलरेडी था, तो अब जो मेरा 3 आएगा, तो पहले मैं 6 को एक राइट मूव कर दूँगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा और फिर मैं 3 को यहाँ रख दूँगा. राइट, तो अब मेरी करंट सिचुएशन क्या है, 3, 6, 8, 2, 7, ये मेरी करंट सिचुएशन है आफ्टर पहला इंसर्ट करने के बाद. ठीक है, अब मैं 8 को अपने हाथ में पकड़ूंगा. ठीक है, 8 को हाथ में पकड़ूंगा और 8 को कंपेयर करूँगा 6 के साथ, 6 से बड़ा है 8, तो 8 यहीं पे रह जाएगा, तो 8 को यहीं पे रख देना है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, मेरा 2 आएगा, 2 को मैंने हाथ में पकड़ा. ठीक है, 2 को मैंने हाथ में पकड़ा, 2 को मैं 8 के साथ कंपेयर करूँगा, मुझे पता है कि 2 मेरा 8 के लेफ्ट में जाना चाहिए, तो मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगा. ठीक है, यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगा. अब फिर मैं 2 को 6 के साथ कंपेयर करूँगा, तो 6 मेरा एक राइट मूव हो जाएगा. फिर मैं 2 को 3 के साथ कंपेयर करूंगा, तो मेरा 3 भी एक राइट मूव हो जाएगा. तो बेसिकली मेरे पास एक जगह बनती जा रही है लेफ्ट में, तो मेरे पास लास्ट जो जगह बनी है वो मेरी 2 के लिए जगह बन गई. इस तरह से मेरा काम हो रहा है. एंड फाइनली फिर मैं 7 को अपने हाथ में पकड़ूंगा,
अच्छा 7 और 8 को कंपेयर किया तो 7 शुड बी ऑन द लेफ्ट, तो 8 को एक राइट मूव कर देते हैं, 7 के लिए जगह बन जाएगी। 7 को 6 के साथ कंपेयर किया तो 7 बड़ा है, तो मेरे पास जो जगह बनी थी वहाँ पे मैं 7 को डाल दूंगा। तो इस तरह से मैं इंसर्शन सॉर्ट को इंप्लीमेंट कर लूँगा, ठीक है। तो आई होप कि प्रोसेस समझ में आ गया। तो एक काम रह गया कोड लिखना, वो अब हम कर लेते हैं। सो थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। सो लेट मी नेम इट इंसर्शन, इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले एक लूप लिखेंगे फॉर इंट, ये काम करते हैं i=1 से स्टार्ट कर लेते हैं। i=1 से क्यों? क्योंकि जिसमें बोला पहले एलिमेंट को तो मुझे लेफ्ट साइड में रखना ही रखना है अपना, ठीक है, कोई भी आए वो। इंट i=1, i<n>, i++, राइट, ठीक है। तो अभी जब मैं एक कार्ड को उठाता हूँ, ठीक है, एक कार्ड को उठाता हूँ, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, की बोल दे रहा हूँ उसको, ठीक है, उसको की बोल देते हैं। इंट की = मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं की बोल रहा हूँ उसको, एरे ऑफ आई, ठीक है। वो जो कार्ड टेम्परेरीली मेरे राइट हैंड में होगा, जिसको मुझे डिसाइड करना है कहाँ लगाना है, उसको मैं की बोल रहा हूँ, ठीक है। इंट जे = i-1, ठीक है, मैं i-1 ले रहा हूँ। देखो की क्या है मेरा, जो मेरे पास अभी राइट हैंड में कार्ड है, और मुझे उससे जस्ट एक पिछले वाले कार्ड के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करना है, राइट। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास लास्ट में 7 था, तो मैंने 7 को हाथ में पकड़ा, जिसको मुझे अरेंज करना है, तो मैं उसको 8 के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करूँगा, मतलब एक पहले वाले के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करूँगा। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट जे = i-1, ठीक है, इंट जे = i-1। मुझे कब तक कंपेयर करते जाना है? मुझे तब तक कंपेयर करते जाना है कि जब तक मेरा जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है, मतलब कुछ लास्ट वाला कार्ड जब तक है मेरे पास, मैं तब तक कंपेयर करते जाऊंगा, एज वेल एज एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन की, राइट। मुझे कब तक कंपेयर करते जाना है? जब तक कि ये वाला जो मेरा कार्ड है वो मेरा मेरे लेफ्ट वाले हैंड से कम मुझे नहीं मिल जाता, तब तक मैं कंपेयर करते जाऊंगा, और जैसे मुझे कम मिला तो मैं उसको इंसर्ट बीच में कर दूंगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस, एरे ऑफ जे +1 = array of j, राइट। तो मैं एक एक एलिमेंट को राइट मूव करते जा रहा हूँ, राइट, ऑब्वियसली जब मुझे, क्योंकि जगह क्रिएट करनी है मेरे की के लिए, ठीक है। एरे ऑफ जे +1 = array of j एंड जे = j-1, राइट। वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमको रखना होता है, ठीक है, j = j-1, और यहाँ पे मैंने सेमी कोलन नहीं लगाया, एक एरे ऑफ जे +1 = key, ठीक है, कि जब मेरा मैं सही जगह पे पहुँच गया तो मुझे जे +1 पे की को डाल देना। जे +1 इसलिए बिकॉज जब मैंने वाइल लूप ख़त्म किया था तब मैंने j = j-1 करके ख़त्म किया था, मतलब मैं एक पीछे आ चुका हूँ, तो मुझे जस्ट आगे जाना पड़ेगा वापस डालने के लिए, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं, जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में i मेरा यहाँ पे होगा, राइट, और 3 मेरा की है एक्चुअली, और यहाँ पे मेरा j यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, मुझे एक पहले से उसे कंपेयर करना स्टार्ट कर देना। तो जब मैं मेरा वाइल लूप एक बार चलेगा, बिकॉज 3 is less than 6, राइट, 3 is less than 6 है मेरा, और ऑब्वियसली j > 0, तो वाइल लूप जब खत्म होगा तो मेरी j की वैल्यू -1 हो चुकी होगी, राइट, बिकॉज j = j-1, सो 0 - 1 - 1 हो चुकी होगी j की वैल्यू। तो इन द एंड जब मेरा वाइल लूप खत्म हो जाएगा, सो दैट्स वाई मैंने लिखा कि j+1 के ऊपर डालो, मतलब 0 के ऊपर डालो वैल्यू, बिकॉज वाइल लूप ने एक वैल्यू उसकी कम कर दिया, इसलिए मैंने उसको एरे j+1 = key लिख दिया, राइट। तो इस तरह से ये पूरा चलते चलते मेरा पूरा पूरा इंसर्शन सॉर्ट आई थिंक काम कर जाना चाहिए। तो लेट्स सी, चला के देखते हैं। यस, सो 2, 3, 6, 7, 8, तो पूरा पूरा मेरा सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इंसर्शन सॉर्ट के कोड को ओवरव्यू कर लेते हैं। फॉर इंट i = 1, i < n, i++, ठीक है, i = 1 से स्टार्ट किया बिकॉज 0th एलिमेंट को तो इन एनी केस मुझे अपने पास रखना ही रखना है, राइट। फिर इंट की = arri, तो जो मेरा ऑब्वियसली जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है वहाँ से स्टार्ट करके उसको उठाया एलिमेंट को, और उसको मुझे कंपेयर करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा वाइल j > 0, एरे ऑफ j > की, j > 0 मतलब कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए कंपेयर करने के लिए, करते 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 हम लोग लास्ट पे पहुँच जाएंगे। एरे ऑफ j > की, मुझे कब तक अगले एलिमेंट पे जाते रहना है? जब तक कि मेरा जो एलिमेंट है, जो मेरा यहाँ पे जो एलिमेंट j पे जो एलिमेंट है वो इससे बड़ा है,
ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे लेफ्ट पे जाते रहना पड़ेगा, ठीक है। एरे ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू एरे ऑफ जे, हमने स्पेस क्रिएट कर दी, उसको एक राइट मूव कर दिया, और जे इज इक्वल टू जे माइनस वन, क्योंकि वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं तो डिक्रीमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं जे को। एंड आखिर में आफ्टर द वाइल लूप इज ओवर ए आर आर जे प्लस वन इज इक्वल टू की, तो जो भी बीच में जगह क्रिएट हो गई वहाँ पे जे प्लस वन इज इक्वल टू की हमने कर दिया, ओके। सो हमने रन करके देख लिया, सो दैट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन, ओके। सो आई होप ऑल द बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट आर क्लियर, राइट। सो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट अनदर टॉपिक, स्ट्रिंग्स, ओके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।